पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये वेटलैंड्स क्या होते हैं? ऐसी जगह जहां पर नमी, पौधे और पशु ये सब एक साथ पाए जाते हैं और बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी होती है, उसको हम वेटलैंड्स कहते हैं। ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, तो इनको अब बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हर साल 2 फरवरी को ये वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया। अच्छा, 5 अभी नए वेटलैंड्स डिक्लेयर किए गए हैं इंडिया में। 5 नए वेटलैंड डिक्लेयर किए गए हैं, कौन कौन से? एक है लोनार झील, एक है सोकार, एक है आगरा की कीथम लेक, एक है कवर ताल और एक है आसान कंजर्वेशन रिजर्व। इन 5 नए वेटलैंड्स को अभी इंडिया में डिक्लेयर किया गया है। अच्छा, इस बार के वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। क्या है? वेटलैंड्स एंड वाटर। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे? तो पृथ्वी के लिए आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2 फरवरी को ये वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है? तो अभी पंजाब गवर्नमेंट ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इस मिशन के तहत पंजाब के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की पहल शुरू की जाएगी। अच्छा, पंजाब की बात है तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर। अच्छा, अभी पंजाब में एक पेयर इंसाइट नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ था। डिजी नेक्स्ट नाम का एक ऐप भी पंजाब में लॉन्च हुआ था और पंजाब में सगुन पॉलिसी चल रही है। सगुन पॉलिसी, इसके तहत क्या हो रहा है, जो निर्माण मजदूर होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन की लेबर होती है, उनकी बेटियों की शादियों के लिए 51,000 रुपए दिए जा रहे हैं। तो ये है सगुन पॉलिसी, ये भी पंजाब में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया? तो जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है इसने 2017 से हिंदी शब्द घोषित करना शुरू किया था और इस बार यानी कि 2020 का हिंदी शब्द डिक्लेयर किया गया है आत्मनिर्भरता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आत्मनिर्भरता को 2020 का हिंदी शब्द डिक्लेयर किया गया है। 2019 का हिंदी शब्द डिक्लेयर किया गया था संविधान को, 2018 का हिंदी शब्द डिक्लेयर किया गया था नारी शक्ति को, और 2017 में इसको शुरू किया। और 2017 में क्या डिक्लेयर किया गया था? 2017 का हिंदी शब्द डिक्लेयर किया गया था आधार। तो ये सारे आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मिस्र में आयोजित हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो अभी डेनमार्क ने मिस्र में आयोजित हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब डेनमार्क ने जीता तो ये है मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, डेनमार्क की करेंसी है डेनिस क्रोना और डेनमार्क के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मेटे फ्रेडरिकसन। कौन है? मेटे फ्रेडरिकसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिसली टॉयसन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सिसली टॉयसन ये एक अभिनेत्री थी, इनका अभी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थी अमेरिकी अभिनेत्री सिसली टॉयसन और इनका अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी आत्मकथा बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट लॉन्च की गई? तो बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट ये आत्मकथा है हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, इसको अभी लॉन्च कर दिया गया है। अच्छा, हामिद अंसारी इंडिया के दूसरे ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति रहे थे। ये लगातार 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति रहे और पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो भी 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति रहे थे। तो यही 2 व्यक्ति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए इंडिया में उपराष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में पहली एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं? तो अभी पहली एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप क्वेट शूटिंग फेडरेशन के द्वारा आयोजित की गई और इसमें सबसे ज्यादा पदक जीते हैं अपने देश भारत ने। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, भारत ने टोटल 11 मेडल जीते हैं। इन 11 में 4 तो गोल्ड मेडल हैं, 2 सिल्वर मेडल हैं और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इस तरह से इंडिया ने पहली शूटिंग चैंपियनशिप में, पहली एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं और कितने जीते हैं? 11 जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक ने अपना मुख्य अनुपालन अधिकारी यानी कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, तो फेसबुक ने अभी हेनरी मोनिस को अपना चीफ कंप्लायंस ऑफिसर डिक्लेयर किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में हो क्या रहा है, फेसबुक अभी हर देश में कंट्रोवर्सी में आता जा रहा है, जो प्राइवेसी होती है उसकी वजह से फेसबुक हर देश में कंट्रोवर्सी में आ रहा है। इसीलिए फेसबुक ने इन सब मैटर्स को हैंडल करने के लिए अपना पहला चीफ कंप्लायंस ऑफिसर हेनरी मोनिज को अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, ये बुक लिखी है दलाई लामा ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये है बुक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट और इसको दलाई लामा ने लिखा है। अच्छा, दलाई लामा का एक्चुअल नेम क्या है? तेंजिंग ग्योत्सुंग। क्या है? तेंजिंग ग्योत्सुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनपी ट्रोंग को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया? तो एनपी ट्रोंग, इनको अभी वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये है एनपी ट्रोंग और ये तीसरी बार वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए। अब वियतनाम के चुने गए तो ये है मैप में वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, वियतनाम की करेंसी है डोंग, वियतनामी डोंग, और वियतनाम के अब तीसरी बार राष्ट्रपति तो यही चुन लिए गए हैं एनपी ट्रोंग। अच्छा, वियतनाम में इंडिया के राजदूत कौन है? प्रणय वर्मा। प्रणय वर्मा वियतनाम में इंडिया के राजदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस प्रजाति के लिए राष्ट्रीय एक्शन प्लान जारी किया है? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अभी मरीन टर्टल के लिए एक राष्ट्रीय एक्शन प्लान जारी किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम पे हमारे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जेंडर पार्क केरल के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला जेंडर पार्क केरल के कोझिकोड में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, केरल की बात है तो मैप में देख लीजिए, यह है केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, केरल की चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और केरल की गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, पहला जेंडर पार्क केरल के कोझिकोड में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला डेटा हब भी तो केरल में स्थापित किया गया है, ये भी याद रखना है। अभी के फोन प्रोजेक्ट, ये केरल में शुरू किया गया था। तिरंगा पहल, ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए थी, ये भी केरल में शुरू की गई। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल में शुरू किए गए और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये भी केरल में शुरू किया गया। अभी केरल के जो गवर्नर हैं उन्होंने वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की है, वन स्कूल वन आईएएस योजना। केरल में परिवर्तनम योजना भी शुरू हुई है। केरल में अभी मकर बिलक्कू त्योहार मनाया गया था, ओणम भी केरल में मनाया जाता है, एक थ्रिशुपुरम त्योहार होता है ये भी केरल में मनाया जाता है और थैयम त्योहार ये भी केरल में मनाया जाता है। केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क, मत्तेकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पम्बडम 16 नेशनल पार्क और एरविकुलम नेशनल पार्क। केरल में शांत घाटी है और केरल में पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी है। अच्छा, केरल में कप्पाड़ बीच है, इसको अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था। केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। केरल, कर्नाटक और झारखंड, इन 3 राज्यों का राजकीय पशु है हाथी। और अभी जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी किया गया था उसमें केरल टॉप पे रहा था। केरल में सस्थनकोटा झील है, अस्तमुड़ी झील भी है और वेम्बनाड कोल झील भी केरल में है। तो इतना आप केरल के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी अनीस शाह महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष बन गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है अनीस शाह और यही महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किसने जीती है?
तो अभी तमिलनाडु ने बड़ौदा को हराकर सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा की नई कार्यवाहक प्रमुख कौन बनी है? तो अभी भव्या लाल नासा की नई कार्यवाहक प्रमुख बनी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं भव्या लाल और यही नासा की नई कार्यवाहक प्रमुख बनी है। अच्छा, नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना कब हुई? 1958 में। नासा का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और नासा का मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के पर्यटकों का सबसे पसंदीदा शहर कौन सा बना? तो अभी एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया भर के पर्यटकों का सबसे पसंदीदा शहर बना इंडोनेशिया का शहर बाली। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 1 साल के आपातकाल की घोषणा की है? चार ऑप्शन दिए।